पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के फर्स्ट राउंड में ओल्ड मैन को डिफीट कर देता है, जिसके बाद वो टॉप 34 ट्रेनर्स में आ जाता है। अब सेकंड राउंड के लिए उसको एक वीक का टाइम मिलता है, जहां पर वो ट्रेनिंग कर सकता था और रेस्ट ले सकता था। ऐश को यह भी पता चलता है कि उसको ये नहीं पता चलेगा कि उसका अपोनेंट कौन होने वाला है राउंड 2 में बैटल्स को और भी ज्यादा फेयर बनाने के लिए। एक वीक हो जाते हैं अब आगे। फाइनली वो दिन आ जाता है जब ऐश को राउंड 2 की बैटल करनी थी। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सेना सब लोग स्टेडियम में एंटर करते हैं। वहां पर उनको बताया जाता है कि आज 16 बैटल्स होने वाली हैं, जिनमें से तुम्हारी थर्ड बैटल होगी, तो तुम्हें थोड़ा सा वेट करना है और फिर तुम्हारी बैटल स्टार्ट हो जाएगी। तब तक के लिए तुम मैचेस देख सकते हो। ऐश मैचेस देखता है और कुछ टाइम बाद उसके बैटल का टाइम आ जाता है। उसको एंट्रेंस में बुलाया जाता है, जहां पर वो अपने पोकेमॉन्स को सिलेक्ट करता है और बैटल स्टार्ट होने वाली होती है। ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है ये देखने के लिए कि उसके सामने कौन सा ट्रेनर आने वाला है। फाइनली उसकी बैटल स्टार्ट हो जाती है। वो स्टेडियम में एंटर करता है और वो ये देखकर शॉक रह जाता है कि सामने और कोई नहीं बल्कि कैलोस का वो मिस्टीरियस ट्रेनर था जो कि उसको दिखते रहता था। ऐश बोलता है कि क्या तुमने पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था। वो कैलोस कैरेक्टर बोलता है कि हाँ, और अब टाइम आ चुका है ये रिवील करने का कि मैं कौन हूँ। वो अपना मास्क हटा देता है और ऐश ये देखकर शॉक रह जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसका कैलोस का ओल्ड फ्रेंड अलान था। उसने पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था। अलान बोलता है कि शुरू से ही मेरा गोल था एक काफी स्ट्रांग पोकेमॉन ट्रेनर बनना और सारे मेगा इवॉल्व पोकेमॉन को डिफीट करना, पर जब से मैं पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप हारा हूँ तब से मैंने काफी कड़ी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। मैंने काफी सारे स्ट्रांग पोकेमॉन्स कैच किए, मैंने लियोन को चैलेंज किया और उसको डिफीट भी कर दिया, बट अब मैं पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसी छोटी लीग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था। मुझे पोकेमॉन मास्टर बनना था, जिसके चलते मैं यहाँ पर आ गया। मुझे पता था कि तुम भी एक पोकेमॉन मास्टर बनना चाहते हो तो तुम यहाँ पर मुझे मिल सकते थे। मैंने फर्स्ट राउंड काफी ज्यादा इजीली जीत लिया है और अब मैं सेकंड राउंड में तुम्हें हराने वाला हूँ। ऐश बोलता है ये तो काफी औसम बात है, मुझे याद है तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के फर्स्ट राउंड में ही लियोन से एक वन साइडेड बैटल में हार गए थे और वहां से यहाँ तक आना एक काफी बड़ी बात है। ये काफी औसम बैटल होने वाली है, अब बैटल को स्टार्ट करते हैं। अलान बोलता है बिल्कुल, और वो अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह भेजता है मेटाक्रॉस को, जो कि एक स्टील और साइकिक टाइप पोकेमॉन है। ऐश बोलता है काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तुम्हारा पहला ही पोकेमॉन एक सूडो लेजेंडरी है। ऐश अपने चार्जार्ड को भेजता है। अलान ये देखकर शॉक रह जाता है कि ऐश के पास भी एक चार्जार्ड है। तभी ऐश अपने मेगा रिंग को बाहर निकालता है और कीस्टोन का यूज करके चार्जार्ड को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा चार्जार्ड एक्स में। अलान भी पीछे नहीं हटता है, वो भी अपना मेगा रिंग और कीस्टोन निकाल कर मेटाक्रॉस को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा मेटाक्रॉस में। सारी ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। अनाउंसर बोलते हैं कि ऐसा पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पहली बार हुआ है जब एक बैटल में दोनों ट्रेनर्स ने अपने फर्स्ट पोकेमॉन के ऊपर फेनोमेना यूज किया हो। ये बैटल काफी इंटरेस्टिंग होने वाली थी। मेगा मेटाक्रॉस स्टार्ट करता है मीटियोर मैश के साथ, वहीं पर चार्जार्ड यूज करता है फ्लायर ब्लिट्स अटैक का। दोनों ही अटैक इक्वली पावरफुल थे, जिसके चलते दोनों अटैक टकराते हैं और दोनों पोकेमॉन्स को इक्वल डैमेज पड़ता है। अब ऐश अपने चार्जार्ड को फायर फैंग अटैक यूज करने बोलता है, वहीं पर अलान अपने मेगा मेटाक्रॉस को आयरन हेड यूज करने बोलता है। चार्जार्ड फायर फैंग का यूज कर देता है, पर मेटाक्रॉस का हेड काफी ज्यादा मजबूत हो चुका था आयरन हेड यूज करने की वजह से, जिसके चलते चार्जार्ड को ही काफी ज्यादा डैमेज पड़ जाता है। अब ऐश अपने चार्जार्ड को फ्लेम थ्रोअर अटैक यूज करने बोलता है, बट मेटाक्रॉस अपने स्पीड का यूज करके इसको काफी इजीली डॉज कर लेता है और यूज करता है अर्थक्वेक अटैक का, जिसको चार्जार्ड फ्लाई करके डॉज कर लेता है। तभी मेटाक्रॉस यूज करता है हैमर आर्म का, जिससे चार्जार्ड को डैमेज पड़ता है। फिलहाल के लिए मेगा मेटाक्रॉस डोमिनेट कर रहा था, पर तभी ऐश अपने चार्जार्ड को पोकेबॉल में वापस ले लेता है। ओल्ड मैन बोलता है कि मुझे ऐश पर पूरा भरोसा है, जरूर उसकी कोई स्ट्रेटेजी होगी जिसके चलते उसने अपने चार्जार्ड को वापस बुलाया है। ऐश अपने सेकंड पोकेबॉल को निकालता है और भेजता है पिकाचू को। ऐश बोलता है कि मुझे अभी भी याद है कि लास्ट टाइम जब हमने कैलोस लीग फाइनल में बैटल करी थी तो मेरे पिकाचू ने ही तुम्हारे मेटाक्रॉस को डिफीट किया था। अलान बोलता है कि अब मेरा मेटाक्रॉस काफी स्ट्रांग हो चुका है। पिकाचू यूज करता है आयरन टेल अटैक का, पर मेटाक्रॉस की स्पीड काफी ज्यादा थी, जिसके चलते वो इस अटैक को डॉज करके पिकाचू के पीछे आ जाता है और यूज करता है मीटियोर मैश अटैक का, जिससे पिकाचू को डैमेज पड़ता है। फिर मेगा मेटाक्रॉस यूज कर देता है अर्थक्वेक अटैक का। पिकाचू जमीन पर था, जिसके चलते वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और जमीन शेक करना स्टार्ट कर देती है, जिससे पिकाचू को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है क्योंकि ये अटैक उस पर सुपर इफेक्टिव था। अब पिकाचू काफी ज्यादा वीक हो गया था। अब ऐश का पिकाचू वापस खड़ा होता है। ऐश अपने पिकाचू को थंडर अटैक यूज करने बोलता है, पर मेटाक्रॉस साइकिक अटैक का यूज कर लेता है, जिससे वो पिकाचू को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। अब पिकाचू के हाथ में कुछ भी नहीं था। मेटाक्रॉस पिकाचू को आसमान में लेकर जाता है और वहां से छोड़ देता है, जिससे पिकाचू जमीन पर काफी तेज गिरता है, उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। अलान बोलता है कि क्या ये वही पिकाचू है जिसने कैलोस लीग फाइनल में मेरे दो सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन को डिफीट किया था। मुझे तो नहीं लगता, मेटाक्रॉस यूज करो अर्थक्वेक अटैक का, एक और बार ये पिकाचू पर लग जाता है। पिकाचू ने अब काफी डैमेज सह लिया था। ऐश के पास कोई और ऑप्शन नहीं था और वो अपनी कैप निकालकर पिकाचू को दे देता है। ब्रॉक बोलता है कि क्या ऐश तुम इतने जल्दी
जल्दी इस मूव का यूज करने जा रहे हो? ऐश बोलता है कि हाँ, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ऐश अपने पिकाचू को 10 मिलियन थंडरबोल्ट यूज करने बोल देता है, जिसको मेगा मेटाक्रॉस डॉज करने की काफी कोशिश करता है, बट आखिर में वर्टैग मेगा मेटाक्रॉस पर लग जाता है। फिर पिकाचू थंडर का यूज करके मेटाक्रॉस को खत्म कर देता है। वो अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। ऐश काफी ज्यादा खुश होता है। अलान अपने मेटाक्रॉस को वापस बुलाता है पॉकीबॉल में। वो बोलता है कि मेटाक्रॉस तुमने अपना काम कर दिया है। ऐश के दो पॉकीमॉन्स अब ऑलमोस्ट हार चुके हैं, अब आगे का काम मेरे बाकी पॉकीमॉन्स कर देंगे। ब्रॉक बोलता है कि भले ही ऐश ने मेटाक्रॉस को डिफीट कर दिया है, बट अलान इस बैटल में आगे है क्योंकि उसने ऐश के दो पॉकीमॉन्स को डिफीट कर दिया है और ऐश ने ऑलरेडी दो फेनोमिना यूज कर लिया है और अभी तो सिर्फ बैटल स्टार्ट हुई है। अलान अपने नेक्स्ट पॉकीबॉल को निकालता है और भेजता है टायरेनिटार को, एक और सूडो लेजेंडरी पॉकीमॉन। ऐश अपने पिकाचू को आयरन टेल यूज करने बोलता है, पर सब लोग नोटिस करते हैं कि पिकाचू मूव नहीं कर रहा है और तभी वो जमीन पर गिर जाता है, यानी कि वो भी हार गया था। जिसके बाद अलान एक स्माइल देता है। ब्रॉक बोलता है कि पिकाचू तो ऐश के पॉकीमॉन टीम का मेन मेंबर है। अभी ऐश के लिए असली टेस्ट होगा कि वो पिकाचू के बिना इस बैटल को कैसे जीत पाता है। ऐश काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि उसको पता था कि वो हाफ बैटल यहीं पर हार चुका है, बट वो अपने पिकाचू को वापस लेकर आता है और वापस से भेजता है अपने मेगा चार्जर्ड एक्स को। मेगा चार्जर्ड एक्स स्टार्ट करता है ड्रैगन क्लो अटैक के साथ। वहीं पर टायरेनिटार यूज करता है आयरन हेड का। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं और दोनों पॉकीमॉन्स को डैमेज पड़ता है। फिर ऐश अपने मेगा चार्जर्ड एक्स को ड्रैगन क्लो अटैक यूज करने बोलता है। वहीं पर दूसरी तरफ से टायरेनिटार यूज करता है थंडर पंच का। दोबारा से दोनों अटैक टकराते हैं और दोनों ही पॉकीमॉन्स को इक्वल डैमेज पड़ता है। अनाउंसर बोलता है कि ये बैटल डेफिनेटली टक्कर की होगी क्योंकि इस बैटल में ऑलरेडी काफी कुछ हो चुका है और काफी स्ट्रॉन्ग पॉकीमॉन्स का यूज किया जा चुका है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। ऐश अपने चार्जर्ड को ओवरहीट अटैक यूज करने बोलता है। वहीं पर टायरेनिटार यूज करता है स्टोन एज अटैक का, जो कि चार्जर्ड पर लग जाता है जिससे उसको डैमेज पड़ता है। वहीं पर ओवरहीट भी टायरेनिटार पर लगता है पर उसको ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता। अब ऐश अपने मेगा चार्जर्ड एक्स को स्टील विंग अटैक यूज करने बोलता है। वहीं पर टायरेनिटार यूज करता है डार्क पल्स का, जिसको चार्जर्ड डॉज कर लेता है और टायरेनिटार के ऊपर स्टील विंग का यूज कर देता है, जिससे टायरेनिटार को डैमेज पड़ता है। ऐश अपने चार्जर्ड को एक और स्टील विंग यूज करने बोलता है, बट इस बार अलान रेडी था। वो अपने टायरेनिटार को हाइपर बीम यूज करने बोल देता है, जो कि मेगा चार्जर्ड एक्स पर लग जाता है और वो बीच में ही जमीन पर गिर जाता है। यह अलान के लिए काफी अच्छा मौका था। वो एक स्माइल लेता है और अपने टायरेनिटार को अर्थक्वेक अटैक यूज करने बोल देता है। अब क्योंकि मेगा चार्जर्ड एक्स इंजर्ड हो चुका था, वो टाइम पर उड़ नहीं पाता और उसके ऊपर अर्थक्वेक अटैक लग जाता है, जो कि सुपर इफेक्टिव था, जिससे चार्जर्ड काफी ज्यादा वीक हो जाता है। अलान बोलता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि तुमने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी, तुम काफी ज्यादा वीक ट्रेनर निकले। ऐश काफी सैड हो जाता है क्योंकि उसका चार्जर्ड नहीं उठ रहा था।